स्वागत है आपका ANI में। थैंक यू सो मच। पलक जी, पूरा देश राम में हुआ हुआ है जी। राम जी की बातों का असर, राम जी के भक्ति का असर आप पे भी है। आपका एक बहुत प्यारा भजन आया अभी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, लेकिन इस भजन के पीछे का मकसद रिस्पांस नहीं था। ये मेरी एक अभिव्यक्ति है, जिस तरह मैं बचपन से अपने घर में भी जब सुबह उठती हूँ तो हम गुड मॉर्निंग के बजाय राम राम कहते हैं। राम जी के भक्त हैं हम। और ये जो भजन अभी रिलीज़ हुआ है, ये मैं बहुत समय से मंदिर में गाती रहती हूँ, अपने दादाजी के साथ जब पूजा करती हूँ। बहुत पहले मैंने लिखा था, लेकिन मैंने सोचा, जिस तरह आपने कहा कि पूरा भारत राम रंग में रंगा हुआ है, तो अपनी भक्ति की भावना मैं और जितने भी राम भक्त हैं उनके साथ शेयर करूँ। ये मेरी एक अभिव्यक्ति है अपनी भक्ति की, और मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी राम भक्त हैं वो इस भावना के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। अयोध्या जाने का मन है? बहुत ज़्यादा मन है, शायद जाना होगा भी। कभी जाने का प्लान है? 22 तारीख को। 22 तारीख को जाना। और किसने आपको कोई सबसे ज्यादा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है इसको सुनने के बाद, या कोई आपको किसी ने बोला कि बहुत अच्छा गाया? बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो इसे एक मेडिटेशन का माध्यम मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सुनकर एक नई ऊर्जा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। कुछ लोग इसे धुन की तरह सुबह से रात तक सुन रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि जो भक्ति हम सबके मन में है राम जी के प्रति, अगर उस भाव को व्यक्त करने में ये भजन सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो मुझे लगता है वही इसका मकसद है। फर्स्ट टाइम आपने लिखा भी खुद है? हाँ जी। फर्स्ट टाइम लिखा ना? पहली बार भजन लिखा। हाँ जी। तो हमारे लिए दो लाइनें इसकी गा देंगे तो आप अच्छा लगेगा। बिल्कुल। बनेंगे बिगड़े काम जय श्री राम, हाँ सबसे सुंदर नाम जय श्री राम। होए वही जो रचते हैं श्री राम, दो अखर में बसते चारों धाम जय श्री राम।